हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना एग्जैक्ट बजट चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा इन 2021 टू स्टार्ट अमेज़न एफबी यूजिंग इंडियन प्रोडक्ट एंड चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो मैं जो प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं बोथ चाइनीज प्रोडक्ट एज वेल एज मैं कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया हूं। तो मैं बोथ इंडियन एंड चाइनीज प्रोडक्ट सेल करता हूं अभी। एंड अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे तो चाइनीज प्रोडक्ट में अगर आप $3 का कोई चाइनीज प्रोडक्ट परचेज करें जिसका कॉस्ट है $3, एक स्क्वायर ऑफ प्राइस है $3, तो आप अगर उसका सोचिए 500 to 600 या 700 यूनिट्स लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली 500 to 700 यूनिट्स आपको चाहिए अगर आप 3 months के लिए इन स्टॉक रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका शिपिंग टाइम, आपका फैक्ट्री का लेट टाइम सब कुछ कंसिडर करके 3 month पीरियड इज आइडियल। और ये 500 to 700 पीसेस $3 के कॉस्ट में अगर आप लेके आना चाहते हैं तो उसका कॉस्ट करीब आपका 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आता है। तो इतना आपका इन्वेस्टमेंट रहता है अगर आप $3 का कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं। और वही भी इंडियन प्रोडक्ट जहां पे आप 30,000 से 40,000 के बीच में टेस्ट लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा चाइनीज प्रोडक्ट एंड इंडियन प्रोडक्ट्स। हेलो गाइस, तो मैं ये संडे 10 दिसंबर को एक लाइव सेशन करने वाला हूँ 9:30 PM से। तो मैं लाइव जाने वाला हूँ यूट्यूब में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप न्यू है, कोई भी क्वेश्चन है अमेज़न एफबीए के रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन है मेरे कोर्स जो प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स है उसके ऊपर, तो आप उस 9:30 PM में लाइव सेशन में जाके कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो ये लाइव वीडियो हम लोग मेरे चैनल में करने वाले हैं संडे 10 दिसंबर 9:30 PM से। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर आप चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सब कुछ लीगल सेटअप, सब कुछ लीगल सेटअप, जीएसटी, बैंक अकाउंट, आईसी कोड, सब कुछ मिला के आपका एडी कोड, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ मिला के आपका 5,000 to 6,000 rupees का आपका इनिशियल लीगल इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब लीगल सेटअप का कॉस्ट रहेगा। और वहीं भी अगर आप इंडियन प्रोडक्ट एकदम स्टार्टिंग से लॉन्च करना चाहते हैं, एकदम पूरा तैयारी के साथ आते हैं, तो आपको करीब 1000 से 2000 के बीच में लीगल सेटअप का कॉस्ट रहेगा, क्योंकि आपको आईसी नहीं चाहिए होगा, एडी कोड आपको रजिस्टर नहीं करना होगा कस्टम्स हाउस में। तो लीगल सेटअप होने के बाद आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट ढूंढना है। मेरा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो सीरीज क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट रिसर्च का, उसमें 3 आपका पार्ट वीडियो सीरीज है, उसमें पूरा मैं वहां पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च किया हूं, उसके बाद जाके प्रोडक्ट वैलिडेट किया हूं, शॉर्ट किया हूं, उसके बाद सोर्स भी किया हूं हम लोग उस प्रोडक्ट को सोर्सिंग का सीरीज में। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और वो अगर आप फॉलो करेंगे आपको कोई भी कोर्स कुछ भी लेने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया, प्रोडक्ट आपने बहुत सारा मेथड से शॉर्टलिस्ट किया, उसके बाद आपको प्रोडक्ट कहां से सोर्स करना है वो ढूंढना पड़ेगा। क्या ये चाइना से सोर्स हो सकता है या फिर इंडिया से सोर्स हो सकता है, ये आपको पता लगाना होगा। और मैं जो इंडियन प्रोडक्ट ढूंढा उसके लिए मैं इंडियन सोर्सिंग एजेंट को हायर किया था। वो ऑब्वियसली आपका कोई सर्विस चार्ज नहीं लेता है, वो आपका पर प्रोडक्ट बेसिस पे चार्ज लेता है। और अगर वो इंडियन प्रोडक्ट है, मतलब अगर वो इंडिया से सोर्स किया जा सकता है, तो आप 50 to 100 यूनिट्स लेके ही इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको शिपिंग टाइम रहेगा, क्योंकि वो इंडिया के बीच में ही है, इंडिया के अंदर है, तो आपका शिपिंग टाइम बहुत कम रहेगा, 1 to 2 days, और लीड टाइम भी जनरली बहुत कम रहता है। और अगर आप चाइना से लेके आ रहे तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम आपका 500 to 600 क्वांटिटीज लेके आना होगा, क्योंकि अगर आप लॉन्च के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो आपका फिर से रिलॉन्च करना होगा, आपका फिर से कीवर्ड्स का रैंक आगे करना होगा, तो आपका कॉस्ट डबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा 500 to 600 क्वांटिटीज लेके आते हैं, क्योंकि वो 3 months लास्ट होता है। और ऑब्वियसली आप बाय ईयर लेके आ सकते हैं, लेकिन बाय ईयर मैं जनरली नहीं लेके आता हूं, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और इंडियन फैक्ट्री से वर्क करने का एक प्लस पॉइंट भी है, अगर आप 2-3 बार उस सेम फैक्ट्री से, सेम मैन्युफैक्चरर से, सेम सप्लायर से ऑर्डर करते हैं, तो आपको वो 4th ऑर्डर 5th ऑर्डर में वो आपको क्रेडिट भी दे देता है, मतलब आपका वो आपका जब प्रोडक्ट आ जाएगा उसके बाद कुछ दिन आप सेल करने के बाद उनको पे कर सकते हैं। तो अगर आप ई अमेज़न एफबी बिजनेस मॉडल को जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितना कैश फ्लो इंटेंसिव बिजनेस है। तो आपका प्रोडक्ट तो सोचिए आज सेल हो गया, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो आपको आज नहीं घुसेगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट शिप नहीं होता उसका अमाउंट क्या है आपका अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता। चलो अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन वो कब डिसबर्स होगा आपका बैंक अकाउंट में, उसके लिए पहले वो 7 days का रिप्लेसमेंट पीरियड, अगर आपका 10 days का रिटर्न रिप्लेसमेंट पीरियड है, उसको क्रॉस करने के बाद वो अमाउंट एलिजिबल होगा आपका बैंक का डिस्बर्समेंट के लिए, आपका बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो उस डेट में जो आपका नियरेस्ट पेमेंट डेट होगा उसी डेट में वो आपका पेमेंट बैंक में डिस्बर्स हो जाएगा। लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स का, इंडियन सप्लायर्स का एक ही नेगेटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी रहता है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी रहता है, वो उतना टॉप नॉच नहीं होता चाइनीज प्रोडक्ट जैसा, थोड़ा डाउनग्रेडेड रहता है, उतना आपका प्रोडक्शन क्वालिटी उतना हाई नहीं मिलेगा। और जहां पे अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट लेके आते, चाइनीज सप्लायर्स लेके आते, तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी का रहता है। आपका प्रोडक्ट आएगा एक श्रिंकेबल रैप में आएगा, उसके ऊपर आपका उसका कुछ मैनुअल्स रहेगा, अदर इंसर्ट्स रहेगा, उसके बाद मेन एक प्रोडक्ट बॉक्स रहता है, पूरा एकदम सेलेबल कंडीशन में आता है विद पैकेजिंग। और वहां पे अगर आप इंडियन मैन्युफैक्चर से बात करें तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस ये जो इंडियन सप्लायर्स रहते हैं वो आपको बॉक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोडक्ट बॉक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको एक अलग बॉक्स प्रोवाइडर से रीच आउट करना होगा। हालांकि मैं जो सोर्सिंग एजेंट को हायर किया था वो मेरा सब कुछ करके दिया था, तो ये सिमिलर है, लेकिन फिर भी इंडियन सप्लायर्स आपको खुद बॉक्स नहीं देगा, जहां पे चाइनीज सप्लायर्स क्या करेगा आपको, आप सिर्फ एक ही सप्लायर से बात कर रहे हैं, वो जाके बाकी सब हैंडल कर लेगा, आपका कलर बॉक्स, ब्रांडेड बॉक्स विद लोगो, एवरीथिंग वो करके देगा। और एक चीज का आपका ध्यान रखना, इसे गौर से सुनिए, अगर आप इंडियन सप्लायर से प्रोडक्ट क्या रहे और एक बॉक्स सप्लायर को हायर अलग से ढूंढ रहे हैं, तो बॉक्स सप्लायर से जब बात करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो बॉक्स है वो कितना थिकनेस का है, बॉक्स का थिकनेस मापा जाता है कितना प्लाई बॉक्स है उससे।
तो कितना प्लाई मतलब कितना लेयर्ड बॉक्स है, कितना लेयर्स है उस बॉक्स में। तो अगर आपका हेवी हेवी प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप 5 प्लाई 6 प्लाई के तरफ जाएंगे, लेकिन आपका थोड़ा लाइट प्रोडक्ट है तो आप 3 प्लाई 4 प्लाई में ही रह सकते हैं। तो अगर आप चाइनीज सप्लायर से बात कर रहे हैं, चाइनीज सप्लायर चाइनीज प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको 500-600 क्वांटिटी लेके आना होगा, क्योंकि आप हमेशा एयर शिपमेंट नहीं कर सकते, आपका बहुत ज्यादा मार्जिन खा लेगा एयर शिपमेंट में। और अभी एयर शिपमेंट थोड़ा डिले कर रहे हैं, लेकिन बाई सी लेके आ सकते हैं। सी में लेके आने के लिए ऑब्वियसली आपका कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहता है। आप मेरा सोर्सिंग सेशन में जा सकते हैं, सोर्सिंग का जो हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज किया था उसमें मैं पूरा डिटेल में बताया था कि सोर्सिंग में आपका चाइनीज साइड में क्या क्या चार्जेस रहता है, आपका इंडियन साइड में क्या क्या चार्जेस रहता है, आपका सर्विस चार्ज कितना लेता है, सीएचए, पूरा एंड टू एंड कैलकुलेशन मैंने वहां पे एक शीट प्रोवाइड किया था, एक्सेल शीट, वो उससे मैंने किया था, वो एक्सेल शीट भी मैंने प्रोवाइड किया था सब व्यूअर्स को, तो आप देख सकते हैं। और आपको ऑब्वियसली जब आप सी से लेके आ रहे हैं आपको 500-600 क्वांटिटीज लेके आना होगा, नहीं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट रहता है वो बहुत हाई हो जाता है। तो 500-600 क्वांटिटी लेके आएंगे तो इजीली आपका 2 मंथ्स 3 मंथ्स चलेगा, क्योंकि आपका जो फैक्ट्री का लीड टाइम रहता है वो कुछ आपका 15-30 डेज रहेगा, ऊपर से आपका शिपिंग टाइम जो है 20-30 डेज रहता है, तो इस हिसाब से आपको 3 मंथ्स का कैलकुलेशन करके रखना होता है अप फ्रंट। लेकिन वहां पे अगर आप इंडियन प्रोडक्ट लेके आते तो इंडियन सप्लायर्स क्या है, उनका लीड टाइम उतना ज्यादा हाई नहीं होता। सोचिए आप फर्स्ट ऑर्डर 100 यूनिट्स का कर दिए, उसके बाद 2 वीक या फिर 1 वीक बाद आपका ऑब्वियसली प्रोडक्ट सेल हो रहा है और आप देख रहे हैं कि आपका 30-50 यूनिट्स बाकी है, आप फिर से सेकंड ऑर्डर प्लेस कर दिए, और क्योंकि वो आपका नियरेस्ट स्टेट है या फिर आपका खुद का स्टेट में भी हो सकता है, तो वो शिपिंग टाइम जो है 2-3 डेज मैक्सिमम लगेगा, मतलब आपका प्रोडक्ट स्टॉक में है तब तक न्यू स्टॉक भी अराइव हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली आपका सेल हो रहा है, तो आपका जो थर्ड ऑर्डर देंगे जब, तब आपका फर्स्ट ऑर्डर का पेमेंट भी आपका बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा, तो ये कैश फ्लो भी मेंटेन रहेगा बहुत इजीली। जहां पे चाइनीज फैक्ट्री में अगर आप पे करने जाएंगे तो आपको अपफ्रंट सब कुछ पे करना होगा एट अ टाइम, और आप तब तक आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो रहा है। तो जहां पे 500-600 यूनिट्स के लिए आपको 1.5 लाख टू 2.5 लाख लग सकता है चाइनीज प्रोडक्ट में, वहां पे आप इंडियन प्रोडक्ट कम क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीड टाइम कम है, शिपिंग टाइम कम है, तो आप 500-100 क्वांटिटी लेके स्टार्ट कर सकते, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट करीब 30,000-40,000 आएगा प्रोडक्ट में। लेकिन आपको इमेजेस में थोड़ा काम करना होगा, इमेजेस की थोड़ा हाई क्वालिटी बनाना होगा, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट में आपको इमेजेस कहीं से अलग से नहीं मिलेगा, आपको खुद क्रिएट करना होगा। तो इस सिचुएशन में आप स्टूडियो में जाकर इमेजेस क्लिक करके आप थोड़ा एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा आप अगर आप इमेजेस में थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपका देखिए सैंपल कॉस्ट बच रहा है यहाँ पे, अगर आप चाइनीज फैक्ट्री से सैंपल लेके आते तो उसकी उसी का कॉस्ट आपका करीब 10,000 पड़ जाता, तो आप 3D रेंडरिंग कर सकते हैं मेन इमेज का, 3D रेंडरिंग जैसे होगा वो आप अपना प्रोडक्ट का इमेज किसी भी एंगल से क्लिक कर सकते हैं, तो उसमें जो मेन इमेज उभर के आएगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये आप फाइबर से किसी को हायर कर सकते हैं 3D रेंडरिंग के लिए, या फिर आप अपना इमेज भी रिटच करने के लिए दे सकते हो विद ग्राफिक्स एंड ऑल। तो ये कुछ फैक्ट्स था जो मैंने ये कुछ इंडियन प्रोडक्ट लॉन्च करके पता चला है मुझे, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ये बहुत अच्छा हेल्पफुल वीडियो रहा होगा, और अगर आप मेरा सोर्सिंग एजेंट जो मैंने हायर किया था उससे बात करना चाहते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट सोर्स करवाना चाहते हैं, तो मैं आप मुझे चैट सेक्शन में जाके, आप कमेंट सेक्शन में जाके Amazon FBA टाइप कर दीजिए, और मैं आपको डायरेक्ट रीच आउट करके वो आप उनका कार्ड या फिर कुछ भी आपसे शेयर कर दूंगा। और अगर आप न्यू बिगिनर हैं या फिर आप बहुत दिनों से सेल भी कर रहे हैं लेकिन ठीक से आपका सेल जनरेट नहीं हो रहा है, तो मेरा एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कोर्स है मैं लॉन्च करने वाला हूं, प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स, उसमें मैं पूरा एंड टू एंड A to Z मतलब पूरा आपका लीगल सेटअप से स्टार्ट करके आपका GST या फिर प्राइवेट लेवल IC कोड, एवरीथिंग, FBA रजिस्ट्रेशन, सेलर्स इंटरल ओपन अकाउंट ओपनिंग, एवरीथिंग टू आपका प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बहुत सारा मॉड्यूल्स है, प्रोडक्ट रिसर्च पे मैं फुल्ली फोकस किया हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपका बंडलिंग, डिफरेंशिएशन, इमेजेस, आपका सब कुछ उसमें कवर्ड है, उसके साथ GST रिटर्न फाइलिंग सब कुछ उसमें कवर्ड है। और अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं A to Z जिससे मेथड्स जिसको यूज करके मैंने ओवर 7.4 लाख का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट करता हूँ, और जिसे यूज करके मैं 30 लाख पर मंथ का सेल्स क्रॉस करने वाला हूँ बाय 2021 दिसंबर, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, इसे देख के आपको ये प्राइवेट मशीन कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये इसका पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप Amazon FBA कैसे Amazon में आप सेल कर सकते हैं, हम लोग जैसा FBA सेलर कैसे बन सकते हैं, तो मैंने कुछ आपका कुछ मंथ्स पहले मेरा एक 1-on-1 पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था, 8 वीक्स का प्रोग्राम था वो, और इस पूरा प्रोग्राम में मैं पूरा A to Z सिखाता था, ऑब्वियसली वो अभी क्लोज हो चुका है, लेकिन उसमें मुझे इतना ज्यादा सक्सेस मिला है, हर एक मेंबर का इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है आपका Amazon प्राइवेट लेवल मशीन को, इसमें मैं पूरा A to Z वीडियो मॉड्यूल्स में सब कुछ सिखाता हूँ, वीडियो ट्रेनिंग्स, वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ सिखाता हूँ, फ्रॉम A to Z फॉर बिगिनर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को एक समरी देता हूँ कि ये Amazon FBA प्राइवेट लेवल मशीन कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और मैं क्या क्या कवर किया हूँ इस पूरा प्राइवेट लेवल मशीन कोर्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सेस मिलेगा ओवर 100+ आवर्स का स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर्स विद इनडेप्थ ट्रेनिंग वीडियोस फॉर बिगिनर्स। तो मैंने इसमें कवर किया लीगल सेटअप, वेरियस वेज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन, जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया उसको वैलिडेट करने का सेपरेट मॉड्यूल है, पूरा सेपरेट मॉड्यूल है फॉर डिफरेंशिएशन एंड बंडलिंग, क्योंकि मैं जिस मॉड्यूल को फॉलो करता हूं उसमें
मैंने जो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया विद बंडलिंग एंड डिफरेंशिएशन, कैसे ठीक तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वे जो मैं यूज करता हूं वो मैं पूरा सेपरेट एक मॉड्यूल में वहां पे शो करता हूं। सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, सो आई हैव सेपरेट मॉड्यूल फ्रॉम हाउ टू सोर्स products from Indian suppliers and how to work with them. Complete guide on how to import from China, all legal documentation that is required, everything, every step is covered on that video module. Launching your product, getting your first initial few reviews and also some steps on how to get consistent reviews even after the launch. Separate module for advanced Amazon advertisement, separate module for advanced launch methods, that is completely new and you will find nowhere else, kahin pe bhi aap logo ko nahi milega ye sab new launch methods. How to file GST returns step by step, I'll also walk you guys through the legal setup like getting your IC registration done, registering your FPA warehouse address in your GST, everything will be covered in this. And these are just few of the things that are covered in this private label machines course. Aur main future mein jo jo new strategy, launch strategy ya fir product research strategy jis pe bhi main kaam karunga, new strategy wo main is course mein automatically update kar dunga. Aur aap logo ko automatically access milega har ek new videos jo main dalunga, har ek updated strategies, koi bhi new strategies jiske upar main kaam kar raha hu, koi bhi new updates jo Amazon pe bhi chal rahe hain, sab kuch main isme automatically dal dunga aur uska access aap logo ko lifetime ke liye milega. That means you will get access to lifetime new updates and strategies. तो ये सिर्फ ट्रेनिंग वीडियोस हुआ, लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में एनरोल करेंगे तो इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जो आप लोगों को मिलेंगे, तो इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा वीकली लाइव कॉल एंड क्यू एन ए सेशन टू एवरी एनरोल मेंबर्स. तो आप लोगों का कोई भी डाउट रहेगा या फिर कोई भी क्वेश्चंस जो आप लोगों का ये फुल कोर्स से है या फिर कोई भी आपका Amazon जर्नी में आ रहा है, आप उस सेशन में जाके पूछ सकते हैं और ये हर वीक होगा. यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू प्राइवेट लेवल मशीन्स फेसबुक ग्रुप, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके का इंडियन सेलर्स का ग्रुप कहीं पे भी नहीं देखा हूं जहां पे क्या क्या स्ट्रेटेजी, क्या क्या अपडेट्स नया चल रहा है वो कोई भी शेयर नहीं करेगा. तो ये अपना एक कम्युनिटी रहेगा जहां पे कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी किसी चीज के ऊपर नया काम कर रहा है वो इस ग्रुप में शेयर करेंगे और हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. And you will also get unlimited mentorship from me via Facebook, Messenger, Instagram or WhatsApp. So I feel this is the most valuable thing that you are getting with this course. Your product idea validation, differentiation and competition analysis. So I will take my time and validate any 10 ideas, any 10 product ideas of you. You will get automated future course update with no extra fees. And you will get lifetime access to all these video modules, all this training and these live sessions, everything for lifetime if you enroll for this private level machines course. So, iske saath aap logo ko 230 minutes coaching call milega mere saath. Aap mere saath jaake direct personally phone pe baat kar sakte hain. Main mera number share karunga aap logo ke saath. एंड आप इससे मेरे साथ अपना कोई भी स्ट्रैटेजी ये सब या फिर कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स. तो अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ 40 सीट्स है और ये कोर्स मेरा लॉन्च होगा आपका मिडिल जनवरी में, आपका जनवरी 15 से जनवरी 20 के बीच में ये लॉन्च होगा. तो अगर आप अपने लिए एक सीट सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 सीट्स है, तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 499. तो आप अभी 499 रुपीज देके अपना सीट एक बुक कर सकते हैं. तो इस कोर्स का फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए इस कोर्स का प्राइस रहेगा 7999 रुपीज और बाकी 30 पीपल के लिए इसका कोर्स का प्राइस रहेगा आपका 11999 रुपीज. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ 40 सीट्स है, आप अभी मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा. इसका वेबसाइट के ऊपर अभी काम चल रहा है, विद इन फ्यू डेज ये पूरा रेडी हो जाएगा. तब आप अभी 499 रुपीज देके एक सीट बुक कर सकते हैं और उसके बाद जैसे लाइव हो जाएगा मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा और आप बाकी प्रेस पेमेंट भी कर सकते हैं तब. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.